जे बच्चा अहाँ के पेट में रहल 9 महीना, 9 महीना तक अहाँ एकरा केना चोरा के रखलिए? 9 महीना 5 महीना से रखलिए गल। हम चाहे छे बियाह करल। अपना भतीजे संगे बियाह करबाय? हां हां। अहाँ अपना जे छै से पोता संग जे छै से अपना बेटी के शादी करय चाहै छियै? की करबा कह गेलै तऽ की करबा। हमरा की चाहै छै, बियाह करय लए चाहै माने भतीजे से आज चाहै छै से हुनकर शादी कर दिया है। हां शादी कर। केहनो भेलै समाज की कहत अहाँ के? समाज की कहत त गलती केने है ओ लड़का भतीजा है दीदी में, समाज की करल है। एक तरफ फुआ है और दूसरे तरफ भतीजा है, दोनों के बीच में एक ऐसा गंदगी वाला प्रेम प्रसंग होता है जिसका नतीजा इनके गोद में पलता हुआ 10 दिन का मासूम बच्चा है। हमारे बगल में एक कुमारी माँ है, एक तरफ ये फुआ है तो दूसरे तरफ इनका भतीजा है और दोनों के बीच में प्रेम इस प्रकार से हुआ है जो समाज को आज कलंकित करने वाली है। अभी हम मधुबनी जिला के लदनिया थाना के अंतर्गत एक गांव में पहुंचे हैं जहां इतनी बड़ी घटना घटी है। अच्छा ये बताइए, आपका प्रेम जो है कब से प्रारंभ हुआ है? 1 साल से बोलबे छले तो जाय छलिएगा। कहां बुला रहा था? बारी में। अच्छा बारी में बुलाता था। हाँ। आपका घर और उनका घर कहां पे है? बगल में है। आपके जस्ट घर के बगल में उनका घर है। हाँ। अच्छा 1 साल से जो चल रहा था तो इसकी खबर जो है आप अपने माता पिता को नहीं दिए थे? नहीं दिया। क्यों नहीं दी? क्या नाम था उस लड़का का? अजीत कुमार। हाँ, भतीजा। आपके परिवार का ही है? हाँ। आपके दियाद में ही है ना? हाँ, दियाद में। अच्छा ये बताइए कि एक भतीजा के साथ में संबंध बनाना चाहिए? क्यों आपको समझ नहीं था? समझ में नहीं। ये बाबू जो अब आ गया है दुनिया में, इसके पिता का नाम जब कोई खोजेगा, जब ये बड़ा होगा तो इसको कितना ग्लानी फील होगा, समझती हो? एक माँ बनना सौभाग्य की चीज होती है, लेकिन एक कुमारी माँ बनना ना समाज को कलंकित करने वाली होती है। ये बात जानती हो? नहीं जानती हो? सिर्फ प्रेम करना जानती थी। अच्छा वो लड़का जो है सो 1 साल पहले कहाँ मिला था? मिला था अबे चले बजबे था। नहीं आपको पहली बार वो प्रेम की बात कब किया था? अंगना घर में आवे चलेगा। आहा के अंगना घर में आवे चलिए। हां उनका एक हम जाय चलिए। हाँ। तो यही दरमियान जैसे से प्रेम बनले। हां की कहलक पहली बार? पहली बार कल के चल त भगले ना। कत्ता बोले लग पहली बार? बारिये में। अच्छा तो पहली बार की कहलक वहां से? कल के चल ब्याह करबो ये सब बोते के प्रेम पर ब्याह करबो। अच्छा तो हुनका ई झांसा में अहाँ चले लिए? झांसा में आवे से पहले कखनो सोचलिए कि अहाँ के बाबूजी माँ के प्रतिष्ठा, दादा के, दादी के, दियादक प्रतिष्ठा छे, गाँवक प्रतिष्ठा छे, ई कखनो मन में नहीं आयल? किए कि नहीं आयल? ब्याह करबो बस एक बात छलिए, विवाह करे के लिए औरो लड़का सब छलिए, भतीजे अहाँ के मिलल। सही बात बाजू ना, की दिक्कत छे? हाँ। अच्छा ये बताओ ये जे बच्चा अहाँ के पेट में रहल 9 महीना, 9 महीना तक अहाँ एकरा केना चोरा के रखलिए? 9 महीना 5 महीना से रखलिए गल। अच्छा मम्मी पापा सब बुझ गेले? तेके बाद की भेले? मम्मी पापा बुझले ना तो हमरा मारल के तो कल के लड़का के नाम बोकतर बकलिए गल अजीत कुमार, तो उ हम मम्मी पापा गेल छले ओकरा अंगना बजबे ले। तो ओकरा बजे लागले ने तो ई सब बैट बॉल खेले छले, तो मम्मी पापा के कल के तो कलके किए से हमरा बेटा के झूठे के तू सब फंसबे जाय छी। अच्छा। कलके की जाय छी पूछे ला फोन क के एले ना पूछ के त से मार पीट कर लगले, मम्मी पापा के मार लगले। अच्छा 4 बजे त मार पीट लगले, मम्मी पापा गेले पंचायती से बैठल के सब गाय समाज के बैठल के सब समाज कलके पैसा ल ले नुकसान कर ले बच्चा। तो अहाँ के मम्मी पापा बात की मान गए? नहीं। की मान गए? की कहलक अहाँ के मम्मी पापा? तब करते तब एकरे से करेबे शादी। समाज के लोग की कहलक अहाँ के? कहल के गए से पाई ल ले नुकसान कर ले बच्चा, बच्चा के मार दही। हाँ। तो अहाँ की कहलिए? तो मम्मी पापा कहलक हम पैसा नहीं लेबे शादी करेबे। अच्छा आई बच्चा के? बच्चा के शादी करते तो यह रखते ना? वह रखते ना। हाँ।
या सोच के जैसे बच्चा के जैसे जन्म दिलिए। अच्छा ये बताओ जे जहन समाज बैसले तक बाद अहा पर दबाव देलक जे बच्चा के जैसे से मार दियो गिरा दियो तक बाद जैसे समाज के लोग जैसे से ई बात के नहीं पकड़लक जो लड़का गलती कलक अहा गलती के लिए तो ई दोनों के जैसे से सजा हेबाक चाहिए नहीं दल के सजा नहीं, नहीं। बस अहा सब के पाई लो लियो और तक बाद जैसे से रफा तफा कर दियो। अहा के कखनो ई मन में नहीं आयल जे ए बच्चा के जन्म देवे काल ए बच्चा के बाप जैसे से एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ए बच्चा के की दुनिया में लगे बाद केस मम्मी पापा कह दल के ना ते द्वार रखने चलिए। कौन विश्वास पर जे लड़का से संगे जैसे शादी ब्याह कर बेटा करबे नहीं थाना सब गेले ना त नहीं बचे अभी शादी। अच्छा त अभी नहीं से गेछ रहल छै लड़का अखन कत छै दरभंगा जेल में है। उ कहिया गेले जेल में एक महीना भ गेले गेले एक महीना के लग गेले पकड़ कर अपने गेले गबे अहां के जहन बेटी एहन गलत काम करे छले त अहां के जानकारी नहीं देलक हमरा नहीं जानकारी देल अहां के जानकारी कहिया भेल हमरा जानकारी भेल से उ अरोसनी पड़ोसनी कर के बेटरा बेटी के बच्चा भ गेल ह हम पर एक के आन गेले त हम ओकरा दू दिन आ नहीं पूछ रहे त से आदमी पूछ ले से गए लोग को छु बच्चा भ गेल के केना भेलो ग ए कहै नहीं नहीं तो हम छुपे छले यहां के हां तो हम ओकरा कह दिए से ये छोट के बच्चा भ गेल है बाद में कह दिए से कहले ये बच्चा भ गेल है हम छोड़ के से की करबाय त ई चोर से मैं सफर के चल गाम पर त हम गाम पर डरे ये लिए त ई घर में अपन बंद क के मारे पीटल के तब रे ई नाम कह के नाम न कोई करे मारल के तब वहां कर बाप पापा कर के सामने लड़की के पापा कर के लड़का मेवा के बजा आप की चाहे छे यहां सब हमरा की चाहे छे ब्याह करे ला चाहे माने भतीजे से आज चाहे छे से इनका शादी कर दिया है शादी कर पहनो भले समाज की कहत आ के समाज की कहत त गलती के ने वो लड़का भतीजा है दीदी में तो समाज की कर ले और आ दोसर ठना कत ब्याह है त पता न ब्याह है ते कौन लड़का कौन देश में कर ब्याह कर की चाहे छे यहां हम तो चाहे छे से लड़की के अपन रख लो अपन बचा भइए गेले अपन रखो अपन अपना से पोता संग है से अपना बेटी के शादी करो चाहे छे बच्चा जो है इस धरती पे आ चुका है इसका क्या नाम दोगे अब बजरंगी बोल ले रहा नाम तो दे दिया इसके पिता का नाम क्या दोगे अजीत कुमार क्या तुम अजीत कुमार ही इसका पिता का नाम दोगे हाँ क्यों गलती करना है तो अब दुनूगा का ना आप की चाहे छे यहाँ हम चाहे छे ब्याह करे अपना भतीजे संगे ब्याह करबे हां हां केस फौजदारी चल रहल छै हां गलती दोनों तरफ से हुई है ये भी मान रही है और गलती हो जाने के बाद सामाजिक जो निर्णय हुआ था कि इस बाबू को मार दिया जाए इसको पेट से खलास करवा दिया जाए तो ये परिवार ने निर्णय लिया कि नहीं अब जब गलती हो ही चुकी है तो शादी दोनों का होगा और उसके बाद इसके पेट में जो पल रहा बच्चा है उसको जो है सो इस धरती पे आने का मौका दिया जाए। जिस परिस्थिति में इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है ये परिस्थिति जो है बहुत ही शर्मसार करने वाली ये परिस्थिति है। आप लोग भी अपनी राय रखिए कि ये जो फुआ और भतीजा का जो प्रेम प्रसंग है जिसके कारण ये बच्चा इस दुनिया में आ चुका है माँ के गोद में है तो माँ का नाम तो मिल गया है अब देखना है कि बाप का नाम कब मिलता है। इसके लिए न्याय के चौखट तक जो है सो आवाज उठाने के लिए पहुंच चुकी है देखना है कि इस बच्चे को अब न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। बाद बाकी आप लोग इस घटना को लेकर के इस प्रेम प्रसंग को लेकर के क्या राय देते हैं कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।